नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। ज़्यादा एफडी से ज़्यादा 3 से 4 गुना रिटर्न आप ले सकते हो और सेविंग अकाउंट से 5 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। दोस्तों, SBI मतलब भरोसा। भारत में बहुत सारे लोगों के SBI में अकाउंट है, सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए हम आराम से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कुछ खास है स्कीम से अंदर और कौन कौन सा बेनिफिट है, कैसे आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा यानी कि 45 लाख रुपया तक आपको मिल सकता है हर महीने 3000 रुपये लगा के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर दोस्तों नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे यारो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले साथियों बात करें तो ये स्कीम का नाम है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हाँ दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड यानी कि रिक्स। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो, सोच समझ के लगाइए, आपका मेहनत का पैसा है। FD वगैरह में आप पैसा डालते हो, वहाँ पे सेफ्टी रहती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क है क्योंकि सामने रिटर्न भी ज़्यादा है। इसलिए आपका इनकम का जो भी परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत आप इसमें डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालना। अभी दोस्तों बात करते हैं ये फंड के बारे में। ये फंड ने एक साल का रिटर्न निकाल के दिया है 28.66%, यानी कि 28% ये फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है। फिर बात करें तो तीन साल का इसका रिटर्न है 37.20, यानी कि 37% इसने रिटर्न निकाल के दिया है। फिर आगे बात करते हैं इस 5 साल की, तो 5 साल में ये फंड हाउस ने रिटर्न निकाल के दिया है 17.91, यानी कि 17% जितना इसने रिटर्न निकाल के दिया है। अभी दोस्तों बात करते हैं ऑल टाइम मतलब ये फंड आया तब से ये फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है 14.18, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके अंदर आप आराम से देख सकते हो, FD में 5-6% होता है, इससे 3 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। अभी साथियों बात करें तो फंड साइज यानी कि इसमें कितने लोगों ने पैसा लगाया है। और इसका फंड साइज़ है 1082 करोड़, यानी कि इतना पैसा लोगों ने लगाया है। काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी बड़ा फंड हाउस है। फिर SIP, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP यानी कि हर महीने मंथली कटेगा, आप SIP कर सकते हो 500 रुपये से स्टार्ट। और एक साथ अगर आपको पैसा डालना है तो उसको बोलते हैं लमसम। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 का कर सकते हो। अभी दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, मतलब मैनेज ये जो फंड आपका मैनेज करता है वो आपके पास चार्ज लेता है, वो कितना है। एक्सपेंस रेशियो है 1.82, थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन फंड हाउस के रिटर्न भी अच्छे हैं, इसलिए ये भी हमें प्रॉब्लम नहीं करता है। अभी बात करते हैं एग्जिट लोट, मतलब आपको बीच में पैसा चाहिए और निकल जाना है तो यहाँ पे एग्जिट लोट है 0.50, यानी कि 0.5%, इतना पेनल्टी आपकी लगेगी और आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। अभी साथियों बात करते हैं SBI का ये जो फंड है, आपके पास तो पैसा ले लिया, लेकिन ये पैसा डालता कहाँ पे है, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। इसका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 7.86% इसका है। फिर L&T में है 5.75, फिर टोरेंट पावर लिमिटेड में है 5.23, फिर भारतीय एयरटेल में है 4.58, फिर श्री सीमेंट में है 4.5%। फिर बात करते हैं एक्सिस बैंक में इसने 4% तक लगाया हुआ है। फिर यूनिवर्सल लिमिटेड में है 3.90। फिर आगे बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके अंदर है 3.57। फिर GETND इंडिया लिमिटेड में 3.5%, फिर टेगा इंडस्ट्री में 3.5%, यानी कि काफ़ी अच्छी सब कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, मिक्स करके इसमें डाला है पैसा और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देख सकते हो। अभी साथियों बात करें तो हम कितना पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे हम देखें तो अगर आप 3000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे, हर महीने 3000 कटेगा, तो 10 साल बाद मिलने वाला है आपको, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,06,000 और टोटल रिटर्न मिलेगा 8,36,000, यानी कि 8.5 लाख रुपये आप आराम से ले सकते हो। फिर अगर दोस्तों आप 3000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000, उसके सामने आपको रिटर्न मिलेगा 20,31,000। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपने 3000 रुपया 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न मिलेगा 45,48,000, जो कि आपका जमा होगा 7,20,000 के सामने 45 लाख, मतलब अच्छा खासा रिटर्न आप 20 साल में ले सकते हो। अभी 25 साल ये स्कीम आपने कंटिन्यू की 3000 रुपये, तो आपका टोटल जमा हो जाएगा 9 लाख और उसके सामने मिलेगा 98.52, यानी कि 98 लाख रुपये आप आराम से ले सकते हो। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, आज ही आप SBI विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।